भगवान गौतम बुद्ध का पहला कौन सा उपदेश है उसके बारे में बताएं सुदीप जी। भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश है, जो पहली टीचिंग है, वो तो उन्होंने दो भाइयों को दी थी जी। बेसिकली उनकी सारी टीचिंग सेम है जी। उनकी सारी टीचिंग एक इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने मन से जो दो मनस्य, यानी जो दूषित भरा काम है, जो दूषित भरी आपकी वेदनाएं हैं, संवेदनाएं, उनको कैसे निकालें और अपने मन को कैसे प्योर करें। यानी कि जैसे जैसे आपके मन से धूल हटती जाएगी, आपका मन प्योर होता जाएगा। तो पहली और आखिरी और इस बीच की सारी 84,000 जो सूत्र, जो 84,000 बारे में उन्होंने बातें बताई हैं, वो सारी बातें इसी एक मकसद के लिए है कि मनुष्य कैसे प्योरीफाई होता है और कैसे, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग आते थे, अलग अलग वातावरण बताते थे, फिर उनकी शाखाएं चलती थी अलग अलग, तो अलग अलग शाखाओं में बेस उनका वही होता था कि कैसे वो मन को शुद्ध करें। तो पहली टीचिंग उनकी ये थी कि उन्होंने अपने खुद को देखा और खुद को देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि अरे दुख कैसे बनता है और दुख कौन बनाता है ये मैंने देख लिया है जी। और अब दुख बनाने वाले मैं तेरे को अपने शरीर के अंदर दुख नहीं बनाने दूंगा, मैं तुझे आने भी नहीं दूंगा और अब मेरा कोई नया जन्म भी नहीं होगा, अब मैं मुक्त हो गया हूं, अब मैंने तुझको देख लिया है और तेरी सारी अवस्थाएं मैंने भग्न कर दी हैं, यानी कि खत्म कर दी हैं जी। और अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहली शिक्षा उनकी खुद के लिए थी जी।